अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बहराइच की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों के क्या हाल है, यहाँ पर वो सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं लोगों को, या लोग इस रैन बसेरों का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि बहराइच जो जिला है, जो नेपाल से सटा हुआ है, सीमावर्ती जिला है ये, और यहाँ पे ठंड का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसको लेकर यहाँ किटोजनल और सर्द हवाओं का चलन होता है, जिससे काफी अधिकतर तराई क्षेत्र को लेकर ठंड पड़ती है। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी तक रोडवेज बस पर अभी वहाँ रोडवेज बस के पास अभी कोई रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जैसा कि देखा जाए कि दिसंबर में रैन बसेरे की व्यवस्था और आग के अलाव की व्यवस्था कर दी जाती थी बस के यात्रियों के लिए, लेकिन आज कल के रियलिटी चेक में और आज की रियलिटी चेक में अभी तक कोई देखने को नहीं मिला है कि अलाव की व्यवस्था की गई हो और या रैन बसेरे की व्यवस्था की गई हो। अगर हम जिले के जिला अस्पताल की बात करते हैं तो वहां भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल में दो दिन पूर्व जब ठंड का प्रकोप बढ़ा है तो अलाव की व्यवस्था तो नहीं हुई है, लेकिन रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई है, वो भी बदहाल व्यवस्था है। बस उसमें न कंबल है, बाकी बिस्तर और रजाई की व्यवस्था की गई है, जिससे ठंड नहीं जाती है, और अलाव की व्यवस्था तो एकदम से नहीं है। अगर हम इसके जिले पे रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां की व्यवस्था भी उससे भी बदहाल है, क्योंकि वहां पे जो आए यात्री हैं और फुटपाथ पे रहने वाले व्यक्तियों के लिए न कंबल का वितरण किया गया है और न ही उनके लिए कोई उचित व्यवस्था, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, न अलाव की व्यवस्था की गई है, न उनको ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। लोग इस ठिठुरते ठंड से बचने के लिए पन्नी और अनिरुद्ध, आपने आपने यहाँ मुझे लगता है कि आप रैन बसेरे में इस वक्त मौजूद है क्या? जी, इस समय तो रैन बसेरे में मौजूद नहीं है क्योंकि हम रोडवेज पे यहाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपने क्या इससे संबंधित जो जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? भाई अब वो कौन सी ठंड का इंतजार कर रहे हैं जब आदमी मरना शुरू हो जाएगा? अब जिम्मेदारों से इसके बारे में फोन लगा के बात की गई, लेकिन उनके किसी कारण फोन बात नहीं उठा और जिससे पुष्टि नहीं हो पाई। और जैसे कि आज रविवार है, संडे है, तो इस तरीके से विभाग बंद होते हैं, तो इससे और भी पुष्टि ना होने का कारण हुआ, लेकिन इसके लिए दोबारा रियलिटी चेक से और उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि किस ठंड का वो इंतजार कर रहे हैं जो अभी तक ये रैन बसेरों और अलाव की अभी व्यवस्था नहीं की गई है। अनिरुद्ध, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ महफूज हसन भी संवाददाता प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। महफूज, प्रतापगढ़ में रैन बसेरों का क्या हाल?